नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मतगणना की तैयारियां अंतिम चरण में है, इसलिए कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने नवीन कलेक्ट्रेट में रिटर्निंग ऑफिसर सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए कि मतगणना के समय काउंटिंग में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। गणना के दौरान हर बिंदु पर संबंधित व्यक्ति को चौकन्ना रहकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा RO हर टेबल की गणना पर आने वाले प्रश्नों का जवाब देने नहीं पहुंच सकते, संबंधित टेबल गणना अधिकारी को विवेक से कार्य करना होगा। डाक मतपत्र या पोस्टल बैलेट में कोई भी निर्णय लेने से पहले संबंधित आराओं को RO को अवगत कराना होगा, अंतिम रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय होगा। बैठक में मुख्य नगर पालिका कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अरुण भटनागर, अपर कलेक्टर, आयुक्त नगर निगम अमर सत्य गुप्ता, उप जिला निर्वाचन अधिकारी LK पांडे, संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, नगरीय निकाय के CMO, जनपद पंचायत के CEO उपस्थित थे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोविड की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विधानसभा की मतगणना 3 कक्षों में होगी, जिसमें कक्षों में EVM की गणना साथ साथ टेबल पर होगी। तीसरे कमरे में पोस्टल बैलेट की गणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के गणना एजेंटों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। स्ट्रॉन्ग रूम में गणना हॉल तक CEO को लाने ले जाने हेतु बैरिकेटिंग और सुरक्षित पाथ बनाया गया है। गणना स्थल से 100 मीटर क्षेत्र में पेडेस्ट्रियन जोन के रूप में चिन्हित करना है। ट्रैफिक डायवर्जन का प्लान है। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा, बाहरी घेरे के प्रवेश से पैदल मार्ग, बिना प्रवेश पत्र के प्रथम घेरे के प्रवेश की अनुमति नहीं। EVM से गणना व पोस्टल बैलेट गणना में लगे कर्मियों का पृथक पृथक रेंडमाइजेशन किया जाएगा। डाक मत पत्रों की गणना हेतु राजपत्रित अधिकारी लगना, उन्हें प्रशिक्षण देना। प्रथम रेंडमाइजेशन गणना के एक सप्ताह पूर्व 120% से DEO द्वारा, द्वितीय रेंडमाइजेशन 24 घंटे पूर्व ऑब्जर्वर के समक्ष, तृतीय रेंडमाइजेशन गणना दिवस के 5:30 बजे RO द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करना। EVM जिस टेबल पर गणना होगी वहां वीडियोग्राफी कराई जाएगी। काउंटिंग एजेंट ये नहीं बन सकेंगे। मतगणना के दौरान सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति, वर्तमान राज्य, केंद्र के मंत्री, वर्तमान सांसद, विधायक, जनपद पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका, नगर परिषद, जिला पंचायत अध्यक्ष, सहकारी बैंक, जिला चेयरमैन, शासकीय संस्थान के चेयरपर्सन, शासकीय अधिवक्ता, कोई शासकीय अधिकारी काउंटिंग एजेंट नहीं बन सकेंगे।